हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, इंडसइंड बैंक के बारे में और आरबीएल बैंक के बारे में। और दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और कहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में। और जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि फ्राइडे के दिन 10 जुलाई के दिन इन सभी बैंक्स में हमें काफ़ी अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। पूरा बैंक सेक्टर में भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा था। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वैसे तो कोई न्यूज़ है नहीं दोस्तों, जिसके चलते हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। तकरीबन 500 पॉइंट की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और परसेंटेज की बात करें तो 2.22% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है बैंकिंग सेक्टर में। और जो न्यूज़ आई थी वो शायद मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। वो PNB बैंक में जो न्यूज़ था कि DHFL ने जो फ्रॉड किया है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इन सभी बैंक्स के ऊपर हमें असर देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक में का भी, इंडसइंड बैंक ने भी लोन्स दिया हुआ था DHFL को, और भी काफ़ी सारे बैंक्स हो गए जिसने कुछ ना कुछ लोन बॉन्स दिए होंगे। वो सब हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा कि किसने कितना लोन्स दिया था DHFL को। और हो सकता है उसके चलते भी हमें बैंकिंग सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा होगा। और दोस्तों, दूसरी बात कि आप देख सकते थे पिछले कई दिनों से हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी सभी स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो उसके चलते हमें इन सभी स्टॉकों में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, उसके बारे में हम चार्ट के ऊपर जाके देखने की कोशिश करते हैं। तो हम सीधा चार्ट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है ये सभी स्टॉक, और कहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो मैं सीधा आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड लाइन्स ड्रॉ की हुई है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा कि कहाँ पर हमें ये स्टॉक मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 54 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 54 के आसपास। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 50 रुपये के आसपास हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ की हुई है ट्रेड लाइन, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कंटिन्यूसली उसी लाइन्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था काफ़ी टाइम पे, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, और 54 रुपये के रेजिस्टेंस को टच करने के बाद एक फिर से एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला, और फिर से इसी लाइन को यहाँ पे टच करने के बाद एक फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखाया, और फिर से उसी लाइन को टच करने के लिए आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 50 रुपये के आसपास पे, उसी सपोर्ट को टच करने के बाद और उसी ट्रेड लाइन को टच करने के बाद एक फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखाया, 54 रुपये को टच किया, फिर से वहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और हो सकता है इसी लाइन को यहाँ पे टच करने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, या तो फिर यहाँ से 50 रुपये के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इसमें आप ध्यान रखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या इसमें आप लेवल भी देख सकते हैं कौन से लेवल पर आपको एंट्री लेना चाहिए। आप थोड़ा वेट कीजिए, 50 रुपये के आसपास इसमें अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे में 46 रुपीज़ के आसपास भी हमें ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर 50 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 46 के आसपास इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और आप खुद अपना भी एनालिसिस कीजिए दोस्तों। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वही सही हो ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारा बताया वो भी गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रहा है चार्ट में उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है, और ये चार्ट मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया हुआ है, और इसमें भी मैंने कुछ लाइन ड्रॉ की हुई है जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ की हुई है, तो उसी को फॉलो करते हुए इंडसइंड बैंक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रिसेंटली में अभी जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, रिसेंटली जो हाई बनाया अभी
वो 580 के आसपास का है, बनाया हुआ था। तो वहाँ पे अब हमें आने वाले दिनों में एज अ रेजिस्टेंस फेस देखने को मिल सकता है, एज अ रेजिस्टेंस एक्स कर सकता है 580 के आसपास। और आप दोस्तों देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों इसी लेवल के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था 530 के आसपास। तो उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे एज अ सपोर्ट अब एक्ट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक। अगर इसमें कंटिन्यूसली गिरावट रहती है तो 530 के आसपास हमें ये सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर उसी 530 को अगर ब्रेक करता है तो हमें 500 के लेवल पे बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो उसी सपोर्ट को पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेड लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और इंडसइंड बैंक इसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है और बैंकिंग सेक्टर में कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिलता है तो इसी लाइंस को टच करने के बाद अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो फिर एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन इसी लाइन को ब्रेक करता है तो फिर वो हमें 500 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक। तो इस पे आप अपनी नज़र बनाए रखिए और इस लेवल को आप अपने नज़र में रखिए 530 का। तो 530 के आसपास भी आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको ब्रेक करता है इंडसइंड बैंक तो 500 रुपये तक भी आ सकता है। तो आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, पैसा आपका है, पैसा आपको लगाना है। मैं यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं RBL बैंक के चार्ट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे भी लेवल डिस्कस करते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पे RBL बैंक का भी चार्ट ओपन कर लिया, ये भी मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे भी मैंने लाइंस को ड्रॉ की है और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ की है। और इन सभी लाइंस के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 170 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 170-172 के आसपास हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तकरीबन 200 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 179-200 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई है और इसी ट्रेड लाइन को अभी देख सकते हैं यहाँ पे इसी ट्रेड लाइन को टच किया हुआ है और हो सकता है इसी ट्रेड लाइन को टच करने के बाद अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें 170 और 160-150 के आसपास भी हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है RBL बैंक। तो आप अपने हिसाब से इन लेवल्स को ध्यान में रखिए दोस्तों। और आप क्लियर कट देख सकते हो कि इसी ट्रेड लाइन्स को फॉलो कर रहा था पिछले, अगर पीछे की साइड हम देखते हैं और थोड़ा पीछे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पॉइंट्स को मैंने टच करने के बाद ये लाइंस ड्रॉ की थी। तो आप देख सकते हैं हो सकता है इसी ट्रेड लाइन को एक बार और टच करने आया हो और फिर यहाँ से भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है 172 पे। और अगर उसी लाइंस को ब्रेक करता है, सपोर्ट को भी ब्रेक करता है और ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करता है तो आपको 150 के आसपास भी RBL बैंक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें 200 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो और अच्छा आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।